धन्यवाद भज्जू जी आपके उद्गारों के लिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना यहाँ उद्बोधन दें। आज मुख्यमंत्री निवास में है उपस्थित मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष कल सिंह भावर जी, हमारे दो ऐसे कलाकार जिनको प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, आदरणीय भूरीबाई जी, आदरणीय मोहित श्याम जी, प्रमुख सचिव संस्कृति शेखर शुक्ला जी, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, मामा का सबको राम राम, जय जोहार। आज आप सबका यहां स्वागत करके मैं बहुत खुश हूं। आप भी खुश हो कि नहीं? मेरे मन में विचार आया कि इतने दिन से आप इतने अच्छे कलाकार मध्य प्रदेश के हर कोने से और जनजाति के हर वर्ग से आए हैं, ये मामा की हार बिना आए चले जाएं तो ये तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा शुक्ला जी से कि भाई मैं तो नाश्ता कराऊंगा, और इसलिए आज आपको यहां मामा ने बुलाया है। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपने कल जो कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, अपने प्रधानमंत्री जी भी अभिभूत हो गए। प्रधानमंत्री जी भी अद्भुत व्यक्ति हैं। पहले पद्मश्री, पद्म विभूषण, कुछ गिने चुने बड़े लोग, ज्यादा पढ़े लिखे चर्चित, उन्हीं को दिया जाता था। लेकिन मोदी जी धन्य है, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के कला के पार किए, ढूंढ ढूंढ के कलाकारों को सम्मानित किया। ये कला का सम्मान है, और कलाकार आप सब हैं। कला का मतलब अच्छा गाना भी कला है, चित्र बनाना भी कला है, पेंटिंग बनाना, रंगोली बनाना, अलग अलग रूप है उसके, और नृत्य भी भगवान की उपासना भी है और कला भी है, आनंद के प्रकटीकरण का माध्यम है नाम। इस कला के बिना मनुष्य अधूरा है। अगर कोई व्यक्ति महलों में रहता हो, सारी सुख सुविधा दे दो, 36 प्रकार का भोजन रख दो, धन दौलत के अंबार लगा दो, लेकिन अगर उसके मन में आनंद ही नहीं है तो बताओ उसका जीवन किसी काम का है क्या? सोने के महल में मर जाएगा। अरे आनंद तो आता है तब जब उन्मुक्त होके हम नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं। कला के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे आज से नहीं, बहुत वर्षों से, हजारों साल से ये नृत्य, ये संगीत, ये नाच, ये गाना, जब से मनुष्य अस्तित्व में आया कुछ ना कुछ बजाने का बना ही लिया, आनंद का प्रकट करना, ये असली जिंदगी।
अपनी जिंदगी आप जीते हैं और दूसरों को भी जिलाते हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। कल का कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं था, हमारे जनजाति, हमारे ट्राइबल, हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों की जिंदगी में बदलाव के लिए कई तरह के कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। उनके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा कि ये कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं मेरे जनजाति बहनों और भाई, बेटे और बेटियों को शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, सम्मान की गारंटी, स्वावलंबन की गारंटी, रोजगार की गारंटी, अपने जीवन को ठीक ढंग से जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता उनकी पूर्ति की मैं गारंटी देता हूं। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार, आपका मुख्यमंत्री मामा और मेरी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज तो लंबा भाषण नहीं देना है, आज तो शिवशेखर, इतने दिन से मेरे बेटे बेटी आए हैं सब और इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया, तो दो चीजें, एक तो जैसे पद्मश्री प्रधानमंत्री जी देते हैं वैसे ही मध्य प्रदेश का पुरस्कार स्थापित किया जाएगा जो श्रेष्ठ कलाकार को हर साल दिया जाएगा, नृत्य में, संगीत में, गीत में, क्योंकि इन कलाकारों की कला की कदर करना जरूरी है। जो मध्य प्रदेश की जितनी भी कला है, नृत्य है हमारे, गीत है हमारे, संगीत है हमारे, और कोशिश हम ये करें कि 1 नवंबर मध्य प्रदेश दिवस के दिन उनको सम्मानित करें, ठीक रहेगा कि नहीं बताओ? अरे बोल के बताओ, ठीक रहेगा ना? और दूसरे, हमारे सारे कलाकार और मेरे तो बेटे बेटियां, भांजे भांजियां हैं, इनको 5,000 रुपए की प्रत्येक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इनके अकाउंट नंबर बाकी चीज कैसे वो सब कलेक्ट कर लें, उषा जी सबके खाते में राशि, अकाउंट नंबर तो सबके है कि कोई के खाते है कि नहीं? सबके है, सबके है, हाँ, तो खाते में सीधे पहुंच जाएंगे। और टीका सबने लगवा लिया कि नहीं? आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसते गाते रहे, नृत्य करते रहे, आनंद से जीवन गुजारे और दूसरों को भी अच्छा जीवन तो लेट चलता है ना, अभी देखो पेन करूंगा मैं। एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत, अब हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे, बोले भारत माता की, जनजाति बहनों भाइयों की, कलाकार भांजे और भांजियों की, धन्यवाद। नाश्ते के लिए आमंत्रित है, आयोजन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं माननीय संस्कृति मंत्री सुधाकर आनंद जी का आज के सती पावन कार्यक्रम में हम सबके बड़े भाई जो एक परिवार की तरह मध्य प्रदेश की सरकार को चलाते हैं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष, मेरे प्रिय भाई कल सिंह भामर जी, बज्जू सिंह श्याम जी, पद्मश्री आदरणीय बहन भूरी भाई जी, शिवशेखर जी, अदिति जी और पूरे मध्य प्रदेश से पधारे मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय भैया ने मुझे संस्कृति विभाग की सेवा सौंपी है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप ऐसे ही परमानंद में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर जागृत रहे। अभी आपने कहा था कि आपको वेशभूषा के लिए अनुदान मिले, आपने कहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे भाई ज्यादा है, जो हमारे मामा ज्यादा है, उन्होंने आपके मन की बात सुनी और आप सबकी नई वेशभूषा के लिए यहाँ से मानदेय की राशि।
दूसरा विषय रखा, भैया मुंह में निवेदन करना चाहती हूँ। हमारे कलाकार भाई बहनों ने कहा कि हम जब प्रस्तुति करने आते हैं तो एक दिन का हमको कार्यक्रम मिलता है, तो जब हम आते और जाते हैं वो उन दिनों को भी कुछ चिंता की जाए, ऐसी प्रार्थना इन सबकी थी। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ, आपका हमारा रिश्ता जीवन भर का है, हम सब भाई बहन जीवन भर आपकी सेवा के लिए तत्पर है। बोलिए भारत माता की। जी माइक माइक वाले इधर आ जाओ, पैसा बेटा आप बैठे।